गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज की मॉर्निंग कुछ इस तरह करेंगे, किधर गया? हाँ, सो ये देखो, इसको ऐसे पकड़ के खाली ऐसे करने का ऑटोमेटिक जाता है, वाह। फिर इसके बाद में इसको भी पकड़ने का ऐसा कॉर्नर, ऐसा करने का खुद ही जाता है, वाह। ऐसे घर के दरवाजे खोलने के लिए ऐसे कर्टन एक दिन अपने घर में ज़रूर लगाऊंगा, जब खुद का घर लूँगा इतना अच्छा वाला। वैसे अभी भी छोटा मोटा घर खुद का है, लेकिन ऐसा बड़ा कर लूँगा तो ऐसा कर्टन जरूर लगाऊंगा। क्या खुलते हैं यार अपने आप, मज़ा आता है। सो गाइज, हैड एन अमेजिंग ओपनिंग यस्टरडे, हैड एन अमेजिंग टाइम यस्टरडे। थैंक यू सो मच बैंगलोर फॉर दिस मच लव, फॉर दिस मच सपोर्ट, मज़ा आ गया। और आज हम जा रहे हैं हैदराबाद, वहाँ पे हमारा मीट एंड ग्रीट SOS की स्टोर में। सो आई एम ऑल सेट एंड आई एक्चुअली लव दिस न्यू सूट। एक्चुअली इट्स कॉल्ड ट्रैक सूट फ्रॉम जॉर्डन, आई लव दिस। मैंने US से लिया था, तो मैं इसकी पिक्चर पूरी वाली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो नीचे लिंक दी हुई है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, बहुत भूख लगी है, मुझे ज़्यादा टाइम लगता है खाने में, तो पहले मैं जा रहा हूँ, वरना फिर ये लोग आके बोलेंगे चल चल चल, फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। सो लेट्स डू सम ब्रेकफास्ट। सो आई एम हियर फॉर द ब्रेकफास्ट एंड दिस गाय इज ट्राइंग टू किल मी। व्हाट यू हैव इन योर हैंड? क्या है आपके हाथ में? ये देखो, इससे मुझे मार रहे, मारो चलो। सो बेसिकली यहाँ पे ये नया नया था, तो इसके अंदर में वो टैग होता है ना, वो खटरा नहीं था, तो मैंने उनको बोला काट दो। तो मुझे जब वो चाकू निकाले, मैंने बोला आप मुझे मार रहे हो क्या? सो ट्रैवलिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दिस पॉइंट टू कीप माई मील ऑन पॉइंट, बिकॉज जब मैं कॉम्पिटिशन करता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे सब मील्स अरेंज हो। बट अभी कॉम्पिटिशन नहीं है तो थोड़ी छूट मिली है, बॉडी भी बहुत टायर्ड है, बहुत दिनों से खाया नहीं था इतना, तो दिल होते जाता है खाने का। बट कोशिश करता हूँ कि जितने मील रेडी रख सको। अभी फ्रेडी भाई यहाँ पे है, अब इसके साथ में ये तो आधा टाइम खाता नहीं, अपन खाए बगैर रह नहीं सकते, तो अपने को या तो खाना चाहिए, या तो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, लेकिन खाना चाहिए। तो बोलता नहीं आई एम ऑन डाइट, लेकिन खाता ही नहीं। सो मील नंबर वन इज ब्रेकफास्ट, पोहा, छोटा सा मफिन जो बहुत ही अच्छा है, एंड सम ड्राई फ्रूट, सम, यू नो व्हाट आई मीन बाय सम, सम। वी आर एट द एयरपोर्ट एंड वी आर इन द प्रायोरिटी चेक इन, बट स्टिल इन अ क्यू बिकॉज ऑफ दिस गाय, हैव टू टेक प्रायोरिटी चेक इन। मुझे अपने को कोई शौक नहीं, अपन लाइन लगा के जा सकते हैं, लेकिन ये सलमान भाई ना लाइन नहीं चाहिए इनको, लाइन नहीं चाहिए। अभी यहाँ क्या है लेने का आपको? टिकट, काई की टिकट चाहिए? बोर्डिंग पास चाहिए। बोर्डिंग पास, टिकट नहीं होता है, बोर्डिंग पास होता है। कभी कभी तो ऐसा बिहेव करता है जैसे कभी फ्लाइट में गया नहीं है, वरना तो ब्रो आई कैन ट्रैवल विदाउट बिजनेस क्लास, यू नो यू नो। लाइन हो तो, बट अब क्या करेगा, बिजनेस क्लास के लिए पे किया फिर भी लाइन है, बिजनेस करना इससे सीखना पड़ेगा मुझे। जस्ट सिटिंग इन द लाउंज एंड फ्रेडी हैड सम वाटर बॉटल, आई हैड सम वाटर बॉटल, एंड लुक व्हाट मनोज है, पूरा फायदा उठाया लाउंज का बंदे ने। इडली, वड़ा, उपमा, देन जूसेस, फाइव जूसेस, डिफरेंट डिफरेंट फाइव ग्लासेस ऑफ जूसेस, देन वाटर बॉटल, थ्री बॉटल ऑफ वाटर बॉटल, एप्पल, एप्पल जूस, मजा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे को ना आज इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था मनोज कि आपका मनोज भाई से लफड़ा हुआ है क्या? हाँ, बहुत बड़ा। हाँ, इसने मेरे को बहुत गालियाँ दी है, बहुत पकड़ पकड़ के मारा है। अच्छा, कभी लफड़ा होगा तो क्या होगा यार? इतनी बहुत मारूंगा अगर ये देख हसन, क्या होगा, लफड़ा होगा। सो वी आर अबाउट टू बोर्ड द फ्लाइट एंड आई लव द नेम ऑफ दिस बार, इट सेज हेलो गुड बाय बार, एंड व्हाट संकेत जस्ट सेड। So we are not at a airport, this is a Bangalore bus stand, this is what I feel. This is a Bangalore bus stand, definitely. I will take you in a bus to the flight. तुने, अभी तूने बोला है ना कि मुझे बस स्टॉप लग रहा है, तो मैं तुझे डेफिनेटली यहाँ से बस में ही हैदराबाद लेके जाऊँगा, कल पहुँचूँगा। एंटायर फ्लाइट इज डिले, यू कैन सी डिले 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 डिले, कैंसिल कैंसिल, डिले 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 कैंसिल। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे, बिकॉज सारी की सारी फ्लाइट्स ऑलमोस्ट डिले है या कैंसिल है, कोई कोई फ्लाइट चल रही है। तो हम लोग लाउंज से निकल के गए थे बोर्डिंग करने, बट वी आर बैक अगेन गोइंग टू लाउंज, बिकॉज वहाँ पे गर्दी इतनी थी कि सफोकेशन हो रहा था। सो वी आर गोइंग बैक टू लाउंज, वी गोना स्पेंड सम टाइम देयर एंड देन टेक अ फ्लाइट। क्या हो गया है हमारे क्लाइमेट को, कुछ करिए, ये सब हमारी वजह से हो रहा है, ये सब हमारी गलती है। हम अगर अपने क्लाइमेट को सुधारने में
आपको हाथ नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा. तो अपने आप से स्टार्ट करिए, बाकी बाद में सबको ब्लेम करिए. टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड यू. कौन बोलता है लोगों की ज़िंदगी आसान होती है, हर कोई अपनी लाइफ में थका हुआ है. कितनी मज़े से सो रहे भाई, इसको बोलते हैं सुकून. कहीं भी जाओ 5 मिनट में नींद आ जाए, उसको बोलते हैं ज़िंदगी में सुकून है. दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या पता है, तुम अगर सोते हो और तुम्हें नींद नहीं आती, और जो सुकून वाली ज़िंदगी होती है ना, तुम किधर भी हो 5 मिनट में दैट सुकून. सो मैंने संकेत की विश पूरी कर दी. संकेत, मैं अभी कल पहुंचने वाला हूं, मैं शूट नहीं करूंगा, बस से आऊंगा. संकेत हैदराबाद बस से आ रहा है? नहीं नहीं, सेम बस. संकेत को एयरपोर्ट पे बस स्टॉप वाली फीलिंग आ रही थी, तो हमने डिसाइड किया इसको बस में घुमाते हैं. अब इसकी फट गई है पूरा, प्लीज मुझे ले चलो. कम हियर. यू रीच्ड हैदराबाद? या यू रीच्ड इन बस? Same time. संकेत बस same speed, same time. संकेत की तमन्ना हमने पूरी करी, संकेत को हम बस में लेके जा रहे हैं. ट्रैवल ब्रो, बस में मजा आया भाई? क्या बताओ भाई, तुम्हें क्या बताओ. तो ऐसा था जैसे एयर बस में मजा आया तुम्हें? एयर बस में फर्स्ट क्लास भाई. सबसे बड़ा सिपाया क्या होता है पता है इसमें? मैं बोल नहीं सकता ना व्लॉग पे उसका पूरा. सिपाया जो सी और उसके बाद में पाया, समझ गए तो समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ. मनोज किधर है? मनोज, तो सबसे बड़ा फ्लाइट में सी पाया क्या होता है? सी स्पेस पाया. अभी अपन बोल नहीं सकते ना ब्लॉक पे. हाँ, यहाँ पाया. तो क्या होता है पता है इसके अंदर में? एयर पायलट जो रहता है वो बोलता है तुमको कि वक्त पे पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है. काय का वक्त पे? 2 घंटा डिले. 2 घंटा भाई. हाँ, और उसके बाद में कुछ बोलते भी नहीं कि भाई तुम जवाब दो. और उसके बाद आई होप यू हैड अ कंफर्टेबल फ्लाइट. मुझे जवाब देना नहीं थी तो किसको दूँ? सांस नहीं आ रही थी मेरे को सांस वहाँ पे उधर. भाई हमारे साथ इतना बड़ा सदमा हुआ, मैं बताता हूँ. इसकी प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, बेंगलोर एयरपोर्ट पे भाई की सांसें रुक गई बिकॉज ऑफ सफोकेशन. और उनको सर्दी है ऑलरेडी. तो भाई साहब ने क्या किया, हम लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे कि कोई मेडिकल मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए. यार कोई इमरजेंसी अरेंजमेंट नहीं है. पहले बोलते हैं कि जाओ अपने एयरलाइन वाले को कॉन्टैक्ट करो, एयरलाइन वाले बोलते हैं ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करो, ऑफिसर बोलते हैं बाहर जाओ. व्हाट इज दिस मैन, इतना अच्छा एयरपोर्ट. तो तुम इलेक्शन करना चाहते हो? वेरी सून. 40 के बाद हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा. तो 40 साल का होने के लिए इसको 25 साल और लगेंगे. 20 साल 25 साल ना, अभी तो 15 का GST. राइट. ये 15 25 साल और ये 15+ GST है. मैं 18+ GST. और फ्रेडी आपकी उम्र क्या है? 4. दिल के पास. इस पे तो कॉपीराइट भी नहीं आएगा. तीसरी वाले बोलेंगे ये गाना मेरा था ही नहीं. सब हमसे मिलने आए, ये भाई साहब हमसे मिलने आए और सेल्फी लिए. आप मुझे जानते हो? जानते हैं. क्या करता हूँ मैं? क्या कर रहा है? वो वीडियो में देखा सर, अभी देखा. वो बोले कौन सा टीवी पे? यूट्यूब में देखा मैं. थैंक यू. कल एक को पूछे कि तू मेरे को जानता है, तो बोले हाँ जानता हूँ. बोले कहाँ? बोले मैंने आपको टीवी पे देखा. मैंने पूछा कौन से टीवी पे, तो बोले सैमसंग टीवी पे. लोकेशन बताते हैं. मनोज भाई कैसे जाना है? नाउ गो स्ट्रेट, नो ट्रैफिक इज देयर. ग्रीन इज एवरी इज ग्रीन, एवरीवेयर इज ब्लू इज देयर. ब्लू, ओके. आफ्टर 2 मिनट्स वी हैव अ लिटिल बिट ट्रैफिक, सो दैट्स द रीजन येलो इज हियर. येलो. After that we are going very smoothly. After that here is some talao. Bro, we reached. Talao is here. Talao kya hai bhai? Talao means lab. No. Lake. Lake is there. After lake there is a little bit traffic again. You can see the yellow and red. Okay. After that we will find a big bridge. Big, very big bridge. India, Asia's. के साथ में कोई गाड़ी चला रहा होगा तो बोलेगा भाई एक काम कर, तू ही चला ले, मैं नहीं चला सकता. ये जो लोकेशन मनोज ने बताया, इतना स्वस्थ लोकेशन है कि आप कभी भी भटको नहीं की, सिर्फ सीधा ही चलते रहोगे. लास्ट में बोलोगे मनोज तू चला ले, तुझे पता है. फ्रॉम द एयरपोर्ट वी हैव जस्ट कम टू अ वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट. क्या ये डेट पे आए अपन? इट्स एन अमेजिंग ब्यूटीफुल लोकेशन, यू कैन सी. I like this. I don't know the name.
नाम क्या है इसका? इतनी सारी इंग्लिश मुझे नहीं आती है, क्या नाम है बोलो? द रोस्टरी कॉफी हाउस इन बंजारा हिल, वेरी क्लोज टू SOS. सो वी गोना हैव लंच हियर फर्स्ट एंड देन No, outside is good. No, no, I'm being Freddy. Freddy? And then we're gonna go hotel, check in and meet and greet at SOS store. बस में एक ज्योतिष बाबा आए हैं, उनका नाम है मिस्टर ज्योतिष मनोज पाटिल और वो अभी दिखा रहे हैं. क्या बता रहे हो आप बताओ? Is a Marathi name facts. पहले उसकी नाम की स्पेलिंग बताओ. प्रदीप. नहीं, स्पेलिंग बताओ. P-R-A. हाँ. D. EP. उसके अंदर क्या लिखा वो बताओ. उसके अंदर क्या लिखा वो बताओ. तुम ढोंगी ज्योतिष हो. ये देखो इसके अंदर DIP लिखा है भाई. DIAP क्या है? तो डीप है क्या? प्रदीप है वो, डीप थोड़ी ना है. Okay, that's fine. हाँ, क्या लिखा है उसका? मराठी बनाने की खुशी बनता है, मतलब आप दिल से बहुत अमीर हो. दिल से बहुत अमीर हो, पैसे से गरीब हो. मतलब आपका जो नेचर है वो बहुत मीठा है. आप मीठे भी हो. बहुत टैलेंटेड है और बहुत हार्ड वर्किंग है. रियली ब्रो? काम आप कोई भी चीज दो, कोई भी काम दो, यू कैन डू इट. आप कर ही लेते हो. ठीक है. Meanwhile, you can see what is this? Spicy barbecue chicken. भाई ज्योतिष साहब भूल गए क्या? आप कुछ भी, आपकी रिस्पॉन्स, आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप अकेले हैंडल करने की क्षमता रखते हो. अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँ 5 मिनट बाद आपके साथ क्या होने वाला है. पन कमी बोलतो कारण त्याला नाही आवडत. बहुत लिमिटेड चीजें बोलता है क्योंकि उसको बड़बड़ करना पसंद नहीं है. साला 2 दिन से उसको ऑब्जर्व कर रहा है. 2 दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहा है और मोबाइल में देख के इसकी ज्योतिषगिरी बता रहा है. पागल आदमी. ऐसे मित्र परिवार कमी आए. उसका जो फैमिली बेस्ट फ्रेंड का जो परिवार है बहुत छोटा है. सर्कल, सर्कल. ओ भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये लड़की पटाने की ट्रिक तुम्हारा तेरे ऊपर सच में. और वो जिससे भी बात करते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, अपना फ्रेंड बनाते हैं, उसको पूरा अपना सर्वस्व दे देते हैं. दे भाई दे दे. सो चेक्ड इन टू माय होटल इन हयात पैलेस बंजारा हिल्स जस्ट फॉर द क्विक फेस वॉश एंड बैक टू वर्क बिकॉज ऑलरेडी बज चुके हैं 5:45. 5 बजे का मीट एंड ग्रीट था. 5 बजे का मीट एंड ग्रीट था, मीट एंड ग्रीट था 5 बजे का, लेकिन अभी बज गए 5:45. आई एम एक्सपेक्टिंग बी देयर बाय 6. एक घंटा तो लेट चलता है ना यार, मेरी गलती क्या? फ्लाइट 2 घंटा लेट थी लेकिन मैं 1 घंटा लेट जा रहा हूँ. एनी वेज गाइज, तो मिलते हैं SOS के ओपनिंग पे. जो जो आज आ रहा है और जो नहीं आ रहा है वो व्लॉग देख के खुश हो जाना. वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर SOS मीट एंड ग्रीट एंड दिस गाइज क्रेजी. मना कर करके थक गया, होटल के नीचे आके बैठा है. वो बोले जाऊँगा ही नहीं. ऐसे ऐसी मोहब्बत मत दिखाओ भाई, घर वाले परेशान हो जाएंगे. पता नहीं इसको होटल का एड्रेस किधर से मिल गया. भाई साहब होटल पे ही आगे चल. कितने बजे से खड़े हो यहाँ पे? 3 घंटे 4 घंटे ऑलमोस्ट. 4 घंटे से यहाँ खड़े हो. सलूट है भाई, इतना प्यार मत करो. मैं इस लायक नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ. मैं इतने प्यार की जगह आपको कुछ नहीं दे सकता. और एक ही हमारे नईम भाई है, एयरपोर्ट पे लेने हमें 1 घंटे पहले आए थे और होटल पे लेने 1 घंटे लेट आए. इनकी वजह से डिले हुआ है आज का. ये देखो, हाँ इधर शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ. ये तो अभी जा रहे मीट एंड ग्रीट के लिए. बहुत ही लेट हो गया एक्चुअली. जाना था 5 बजे का मीट एंड ग्रीट था, 6:30 हो गए. आई गेस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे. तो मिलते हैं मीट एंड ग्रीट पे. वी आर हियर इन हैदराबाद बंजारा हिल्स. प्लीज वेरी कम. हाय. काफी सारे लोग आ गए यार, हम लोग तो मस्ती मस्ती में आए थे घूमने के लिए हैदराबाद. अरे बाकी भी लोग बाहर है, हम लोग तो मस्ती में खुनाफा खाने आए थे हैदराबाद. बोले खुनाफा खा लेते हैदराबाद के. मस्ती मस्ती में पूरा क्राउड भर गया. चलो ठीक है, इनसे मिलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में ऑफिस दिखाते हैं. So we had a great meetup and all the people mazak mein acche khase log aa gaye. Thank you so much guys for coming. Thank you sir. Kaun kaun vlog dekhta hai mere? Oh teri. Yani pehle mujhe aisa lagta tha ki log Instagram pe aap vlog. Sachi bata raha hu, tum logon ke support ke liye. Aur jaisa abhi aapne bola, kya bola aapne? Daily inspire hote hain bhai ka vlog dekh ke. Bhai ka bhai Freddy ne, Freddy bhai aur Mundesh bhai ka डेली इंस्टाग्राम पे स्टोरी. सच में बता रहा हूँ, ये जो वर्ड्स है ना, ऐसे वर्ड्स आप लोग जो कमेंट में लिखते हो, मैं बहुत
कोशिश करता हूँ पढ़ लू, जब भी पढ़ता हूँ तो दिल डाल देता हूँ. अच्छे लिखते हैं तो, कोई बुरा लिखता है तो उसको नीचे चल चल सो ये जो प्यार आप लोग देते हो ना उसके लिए ब्लॉग बनाता हूँ, तो थैंक यू सो मच. और आप लोग कल सुबह मेरे ब्लॉग देख लेना. A fantastic meet and greet. What's up, Freddy? How did you like Hyderabad? Best, bro. Best. People here are way more friendly than anybody in India I've seen. I told you, they are lovely people. Sweet, sweet people. Here. Sweet people. And now we're gonna eat sweets. So after a meet and greet, we are back here at one of the finest restaurants in Hyderabad, Levanta. Levanta, right? Yes, it's Levanta. Levanta. They're gonna have amazing kunafa. What do you want? Kunafa, baby. ये आदमी के चक्कर में वेज खाना पड़ रहा है. सिर्फ इसके देखा कितना अच्छा रहता है. 5 साल से मैं अच्छा रहा, साइज ही नहीं बढ़ रही. अच्छा रहता है. आते हुए खिलाते हम लोग नॉन वेज. व्हाट यू लुकिंग एट मी, व्हाट यू लुकिंग एट मी. हर वक्त ये कैमरा बना बना. नहीं बोल बोल क्या बोल रहा है, बोल बोल क्या बोल रहा है. फैंस मेरे ऊपर प्लीज डोंट बी एंग्री. खाना खाना है क्या खाना है? नहीं अभी कोई, अभी कोई नाम बोल रहा था. क्या खाना है? सो वी गॉट विद वेरी फेमस कबाब, इट्स कॉल्ड 1 मीटर कबाब. लुक एट दिस गाइस फेस. खाना खा ले यार, बाद में वीडियो बनाना. एंड ये क्या है? जर्ब सर. ये तो लास्ट बार देख चुके हैं इसमें. इसको जरा खोलो, कैसे खोलते हो आप? टेक्निक देखो. That's all famous item of Arabic food and Levant. Oh, देखो सब खाना ना छोड़ के सब Instagram पे लग गए. क्या दुनिया हो गई है देखो. वो वेज वाला भी देखो नॉन वेज की वीडियो बना रहा है. इसके लिए बोलता भाई देखो मत खाओ. दे दो इसको, दे दो इसको. भाई इसकी सांसें फूल रही है, स्टीम लेना है, दे दो इसको. ठीक है एक और. वेरी नाइस. ये तो दो दो हो गए. इसको खोलो तो सही. आप कैसे खोलते हो? हाँ नाइस. अरे आप खोल ही नहीं रहे हो, लेके जा रहे हो. आग मत लगाना भाई. अच्छा चलो. ये रोटी है, इसको खा सकते हैं. ये तो हटाया रोटी, निकला चावल. वाह nice. I had an amazing dinner. It was so good. The kunafa was so amazing. I can't tell you. ये क्या है? ये कितने? ये कौन मंगाया? और एक. बॉम्बी. That's how we सब मिल चुके हैं इनसे. बिलाल भाई आ चुके हैं. But हबीब भाई ये क्या था? बॉम्बी. कोई हाथ नहीं लगाएगा. कोई हाथ नहीं लगाएगा. सबके सब निकलो यहाँ से. So well guys, had a great dinner here. Amazing kunafa, amazing food. अगर आप हैदराबाद आते हो तो this is the restaurant. Should come with family. Should be क्या? Should come with family. Levanta. Levant in Banjara Hill. Amazing place. You guys will love it. Value for money. So guys, आज के लिए इतना ही रखते हैं. I hope you guys enjoyed this video. और एक और news. जैसे आज Banjara Hill में हमने meet and greet किया, वैसे हम कल कर रहे हैं SOS का 6 month anniversary celebration and meet and greet in Andheri West SOS Shastri Nagar Lane 1. Andheri West SOS Shastri Nagar Lane 1. 5:30 to 7 o'clock. Me, Freddy Naidu, Manoj Patil and many more people will be there. So come and join us and I'll see you there. Good night. Dua mein yaad rakhna aur. केक चाहिए. चीज केक होता है फैक्ट्री में. हम जाएंगे. आई स्वेयर ये सिर्फ येलो कलर के टी शर्ट पहन के येलो कलर वाली बातें कर रहा दूध की दुकान. सुबह दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का भाग मत रखना. बहुत जल्दी मिलते आपके साथ.